हेलो। हेलो, हाँ जी, धमपन धमपन से बात हो रही है कि दलालपन से बात हो रही है? अच्छा, चोरी है। नहीं, तो आप धमपन चलाते हैं कि हमेशा राजनीतिक बात करते हैं? तो धमपतंग चलाते हैं। धमपन से आप तो राजनीतिक बात हमेशा करते हैं। जब देखता हूँ आपका वीडियो राजनीति पर, बीएसटी के विरोध में कैसी राजनीति? आप हैं, कौन सी राजनीति? राजनीतिक बात करते हैं। ये राजनीतिक पार्टी यहाँ बनी थी, यहाँ ऐसे की थी, इसका चुनाव ऐसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फला पार्टी की अच्छी पार्टी है। बंटवारा करना चाहते हैं दलितों में। आप, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लौजारी राम बोल रहा हूँ, कहाँ से? आप जनपद चंदौली के। हम कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? किसी पार्टी से नहीं संबंध रखते हैं, हम दलित हैं। दलित जो पार्टी जिसको जानता हूँ, जो दलित की हितैषी, उससे संबंध समझ लीजिए। जिस प्रकार आप मुझसे बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। नहीं, हम उसी से रखते हैं। आपको जो है वो एक्टिविटी उसको बता रहे हैं। आपका हमेशा वीडियो देखते हैं आप, ये आप थम्पन चलाते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, कार रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर आप प्रचार प्रसार थम्पन करते तो कार रिकॉर्डिंग करा करके वीडियो नहीं डालते, समझ आदरणीय रहे जी, हैं। क्या नाम है आपका? लौजारी राम, हजारीराम, लौजारी राम। लोजारी। तो लौजारी राम जी, मैं एक ही काम नहीं करता, कई काम करता हूँ। और जब मैं इस समाज में रहता हूँ तो मुझे धर्म भी चाहिए, राजनीति भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, हर तरह की शक्ति मुझे चाहिए। और जिन शक्तियों से मैं प्रभावित होता हूँ उनके बारे में सोच विचार करने का मुझे पूरा अधिकार है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैं धंपा चला रहा हूँ तो काबिल खाली धम का ही काम करूँ? नहीं, धमपंथ में थोड़ी राजनीतिक विचार है, धमपंथ में राजनीति विचार थोड़ी ना है। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि जो राजनीति में जो लोग हैं उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, जो संगठन टूटते हैं, दल बदलते हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है, पता है आपको? कैसे होता है आप बताइए, हमें पता है, आप बताइए। मुझे तो ये पता है कि जब नैतिकता का पतन हो जाता है मनुष्य के अंदर तो वह भ्रष्ट हो जाता है, और भ्रष्ट होने के बाद जो है जो सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं और जितने भी बुरे काम हैं राजनीति में वो करता है। क्या ये गलत बात है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, कैसे सही करें, किस एंगल सही करें आप। तो इसीलिए धर्म का जो काम है वो सबसे ऊपर है। धर्म का काम, अगर धर्म के अनुसार राजनीति चलेगी तो राजनीति जो है लोगों का कल्याण करेगी, और राजनीति से धर्म गायब हो जाएगा तो लोगों का नुकसान होने लगता है। अभी हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे अधर्म की राजनीति वर्तमान सरकार कर रही है, इसीलिए लोग जो है परेशान है, व्यथित हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, भुखमरी से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है आज देश को, समाज को, राजनीति को धर्म के नहीं, आचरण की बहुत भारी आवश्यकता है। धर्म के आचरण की क्या आवश्यकता बताइए ना हमें। धर्म के आचरण क्या आवश्यकता है राजनीति में, धर्म अच्छा, की राजनीति का एक तरफ करें, धर्म की राजनीति कर रही है वर्तमान सरकार गलत है, एक तरफ करें धर्म के आचरण की आवश्यकता है दोनों। आपकी एजुकेशन क्या है आदरणीय जी? आपकी एजुकेशन क्या है? हमारी एजुकेशन हाई स्कूल है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने बात आपको बताई है वो आपको समझ में नहीं आई। नहीं, समझ में खूब आई जो आप क्या कहना, जो समझ हम कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं धर्म की आवश्यकता है, एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे हैं वर्तमान सरकार जो धर्म की राजनीति कर रही है जिससे कि तमाम नुकसान हो रहे हैं, दोनों बातें क्यों कर रहे हैं। वर्तमान सरकार जो है धर्म की राजनीति नहीं कर रही है, अधर्म की राजनीति कर रही है। मैंने शायद ऐसा कहा हुआ, धर्म अधर्म, और अधर्म में बहुत फर्क होता अच्छा, क्या अधर्म की राजनीति करें उसको जरा बताइए। है। धर्म होता है जिसमें व्यक्ति जो है उसका जो आचरण है वो नैतिक होता है, और जब उसके आचरण से नैतिकता गायब हो जाए तो वो धर्म नहीं कहलाता, वो अधर्मी होगा। क्योंकि धर्म तो मनुष्य का जो है अच्छा मार्गदर्शन करता है। तो बताइए, अब जो वर्तमान अच्छा, सरकार है कौन सा, अच्छा दूसरी बात बताइए, चलिए आपकी बातें माना। अच्छा, जी, कौन कौन ऐसा है जो धर्म अधर्म की धर्म के नैतिकता के अनुसार काम करने वाली पार्टी, कौन हाँ, नेता है। ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है अभी। क्योंकि कोई भी नेता जो है नैतिक आचरण में नहीं है, धार्मिक नहीं है, इसीलिए धमपत संघ का यह प्रयास है कि ये जो लोग हैं, नेता जो हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये समाज में तो आए हैं,
तो जैसा हमारा समाज होगा उसी समाज में से वैसे ही नित्य निकलेंगे। तो इसीलिए समाज का हमें जो है एक सभ्य और नैतिक समाज का निर्माण करना है, ये धम्म संघ का उद्देश्य है। नहीं, ये बताइए कि कौन सा है, इससे कहाँ जाएंगे लोग, हाँ? कौन सा ऐसा नेता है, किस दल का है, जिसके पास कौन, जिसके पास लोग जाए? मैंने क्या बोला अभी आपको, नहीं, आप निर्माण करोगे तब तक के लिए क्या होगा? अच्छा, जब तक जो चल रहा है उसको झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, क्या करें उसको। तब तक इधर बढ़ते रहे क्यों? कौन बट रहा है? अरे, जब आप कह रहे हैं जी निर्माण करेंगे, तो बाकी तब तक क्या करेंगे? तो जब तक जो जिसको समझ में आता है वो अपना करे। फिर क्यों, जब जो समझ, फिर क्यों करे? फला पार्टी, पूरा फला पार्टी सही है वो मेरा अधिकार नहीं है क्या? हैं? किसी बात पर विचार देना मेरा अधिकार नहीं है अरे, एक तरफ निर्माण कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे, जो मैं जिस समय तब तक कुछ कर रहे हैं, दोनों बातें कर रही जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको बोलने का हैं। अधिकार है और मैं आपके अधिकार पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, उसी तरह नहीं, से क्या मेरे को अधिकार नहीं है कुछ तब भी फिर बोलने का? दोनों बात क्यों करें? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो दोनों बात कौन सी कर रहा हूं? एक तरफ कह रहे हैं जिस धर्म का नहीं है वो निर्माण करेंगे, मुझे लगता है कि आपको बातें जो है समझ में नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूं आपको। आपको केवल वही समझ में आ रहा है जो आपने डिसाइड कर रखा है। नहीं, डिसाइड नहीं, आपने अभी कहा ना, तब तक लोग इधर आदरणीय उधर। जी, आदरणीय जी, अगर मुझे कोई काम करना अच्छा लगता है, कोई काम करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे मन को भाग गया वो काम करना, अब वो चाहे काम नैतिक है अनैतिक है, गलती क्यों ना हो, लेकिन वो काम छोड़ने में मुझे दिक्कत होगी 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 ना। क्यों होगी? जब अनैतिक है तो क्यों दिक्कत होगी? जब अगर जान जाएगा, अनैतिक जान रहा हूं, तो क्यों दिक्कत होगी? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो है मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, इसे थोड़ा हमें खूब ध्यान समझ में आ से। रही है, आप अपने तरीका समझा कर जो करना चाह रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूँ, चलिए, जो कुछ और कहना कहवाना आपको चाह मुझसे, रहे कुछ हैं। हैं? और कहना है आपको मुझसे? नहीं, कुछ और का जो आप, बस इतने कहना, जब आप वीडियो बनाते हैं, आप जब धर्म प्रचारक हैं, तो आप काल रिकॉर्डिंग कहाँ से आ जाती है? मेरे समझ नहीं आता, काल कोई बात करता है, काल रिकॉर्डिंग उसको सुनाते हैं, और कौन ऐसा जो फिर बाद में काला आदमी ऐसा आपको काल करता है, जो फिर आपकी बात को मानता है, सपोर्ट करने लगता है, एक तो जी प्रश्न करता भी सपोर्ट करने लगता है? तो ये तरीका बना हुआ है लोगों का, ये इस तरह से लोगों में अपनी बात को पहुंचा हुए हैं। जी हाँ, बाकी मनसा जो है आपकी, जो बीएसपी विरोधी है, और वोट दलित वोट को बांट करके कहीं से एजेंटी करना है, ठीक? जी ठीक है, कुछ हो करना आपको? नहीं, बस जी, बहुत धन्यवाद आपका, जो है आप उसको मैं आपका बता दिया, दलाली वाली काम। ठीक। जय भीम, होता है।